मंदिर में है जहां सावन की दूसरी सोमवारी है और आज के दिन भक्तों का रेला बाबा धाम के लिए रवाना हो रहा है। आइए बात करते हैं संजय सिंह से। जी ये जो भक्त जा रहे हैं बाबा धाम के लिए, कितनी संख्या होगी? 40-45 की होगी। जी जी, ये कितने सालों की परंपरा है आपकी? ये 200 सालों से चल रही है हम लोग की परंपरा। जी, निरंतर निरंतर रेगुलर। कहाँ से आप लोग निकलते हैं? हम लोग अपने गांव से, गांव निकासी से। गांव कौन सा? निकासी। निकासी थाना नगरा। नगरा जी। और पूरे इष्ट मित्र के साथ हम लोग निकलते हैं, बनारस से हम आते हैं और इन लोगों को गांव से लेकर के वहां तक जाते हैं देवगढ़। ये सारे लोग का सहयोग होता है? आप ऐसे कैसे होता है सब लोग? आप आपस में करते हैं शेयर या फिर आप लोग बाबा के नाम पे ही सब चला हो जाता है? नहीं, सहयोग मेरा ही रहता है, सब लोग अपना सहयोग देते। ये परंपरा जो है अपने सहयोग से 20 साल के लिए जाते चलते हैं। तो यहाँ से पहले कहाँ जाएंगे? पहले हम वहाँ सुल्तानगंज जाएंगे। सुल्तानपुर कब जाने का प्रोग्राम है? सुल्तानगंज हम लोग कल पहुँचेंगे वहाँ। चलिए सुल्तानपुर से जल उठाएंगे, फिर उसके बाद हम देवघर जल गिराएंगे। हाँ, देवघर के बाद बासुकीनाथ जाएंगे। हाँ, बासुकीनाथ के बाद तब हम लोग राजगीर जाएंगे। हाँ, राजगीर से घर आएंगे। हम लोग सोचते हैं कि जन कल्याण में कि बाबा सबको एक व्यवस्था दे कि भाई सब लोग जाएं आए रहे, बाबा सबके कल्याण हो। बाबा के यहाँ जाएंगे जनता के, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सब फूले फूले। बाबा धाम के बाद हम लोग का एक पड़ाव अशोक धाम, एक लखीसराय जिले में एक भव्य मंदिर है अशोक धाम। हाँ, वहाँ भी हम लोग जाते हैं, एक दिन वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ जप वगैरह भी पूजा पाठ होता है और एक दिन वहाँ स्टे करके वहाँ भोजन वोजन करके और उसके बाद हम लोग अपने निवास के लिए प्रस्थान करते हैं। और